मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार 7 अगस्त को छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर एक आम सभा की गई, जिसमें प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले और व्यापम घोटाला सहित पेपर लीक घोटाले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। साथ ही कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं की और किसानों की आवाज को दबा रही है, लेकिन कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, लगातार संघर्ष जारी रखेगी। जिसमें प्रदेश से कुछ उनके पदाधिकारी, कुछ राष्ट्रीय जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हुए थे और इनके द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाना था। हमारे द्वारा बैरिकेड्स और फोर्स लगा के इनको रोका गया और शांतिपूर्ण तरीके से सभी चीजें संपन्न हुई। लेकिन भीड़ का जो कि एकदम से मोमेंटम बना था, थोड़ा तितर-बितर करने के लिए उनको फ्यू सेकेंड के लिए वाटर के यूज किया था और उसके बाद वहाँ से कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में भरोसा और जो सरकार चुनी जाती है वो सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। हम ही है वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा की हमने शपथ ली है। राहुल गांधी जी जब संसद की शपथ ले रहे थे, सांसद की शपथ, तो उन्होंने अपने हाथ में संविधान की रक्षा की कसम भी खाई। हम वो लोग नहीं है जो संविधान और लोकतंत्र और जनता की चुनी हुई सरकार के खिलाफ अपनी बात कहेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से कहेंगे, धरने देंगे, आंदोलन करेंगे, जेल जाएंगे। पर सरकार जो श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ, इससे कांग्रेस पार्टी सरोकार नहीं रखती। हम संयम से, धैर्य से और बीजेपी के लोकतांत्रिक व्यवहार को जनता के बीच में लेके जाएंगे। धन्यवाद।